हाँ भाई नमस्कार। स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी के ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है आपका। और आज अपन करंट अफेयर्स के एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो है स्मोक टावर। स्मोक टावर जो है वो अभी दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर जो है वो लगाए हैं। दिल्ली जो है वो एयर पॉल्यूशन के लिए काफ़ी बदनाम है और जैसे ही ये अभी सर्दियों का समय आता है तो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन की चर्चा जो है वो पूरे पूरा भारत कर रहा होता है और कई मामले में तो विश्व के अंदर भी कुछ एक जो लोग हैं वो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन की चर्चा जो है वो करते रहते हैं। तो इस एयर पोल्यूशन की या वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा अभी वहां पर जो है वो स्मोक टावर्स लगाए हैं। इस प्रकार का एक स्मोक टावर्स नहीं, एक ही टावर लगाया अभी तो ये इस प्रकार का टावर जो है वो लगाया गया। इससे पहले भी कुछ लगाए गए थे एंटी स्मोक टावर, परंतु उनकी हाइट जो है थोड़ी कम थी और अब जो है वो ये थोड़े बड़े स्तर के जो है वो टावर लगाया गया और ऐसा प्लान है कि और आगे भी जो है वो टावर लगाए जाएंगे। देखो स्मोक होती क्या है, सबसे पहले तो अगर इसको ऊपर देखें तो स्मोक जो है दो शब्दों से बना हुआ है, एक तो स्मोक प्लस फॉग, स्मोक और फॉग, स्मोक का मतलब धुआं और फॉग का मतलब जो कोहरा हो जाता है। तो इन दोनों को का जब मिला हो जाए या ये दोनों मिल जाएं तब क्या क्रिएट होता है, तब जो क्रिएट होता है वो स्मोक होता है और उससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो एयर पोल्यूशन बहुत खतरनाक जो है एयर पोल्यूशन हो जाता है। और उस प्रदूषित वायु को कैसे फिल्टर किया जाए या कैसे उसको जो है सही किया जाए उसके लिए स्मोक टावर जो है वो लगाया गया। तो एक बार इसकी वर्किंग देख लेंगे कैसे जो है वो ये काम करेगा। तो ये इस तरीके के इस शेप का जो है वो ये टावर है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 24 मीटर है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान में रखना है कि ये स्मोक टावर होता है काम कैसे करता है। तो इसको इस हाइट पर जो है वो रखा गया। अब इसमें क्या है कि ये जो काम करता है वो करता है ये डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम। ये जो सिस्टम जिसके ऊपर काम करता है या जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है तो डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम जो उस पर काम करता है। कैसे काम करता है ये डाउन ड्राफ्ट पे, तो देखो क्या होता है कि इसका ये जो ऊपर का इलाका है, ऊपर का जो ये जो पोर्शन है इलाका का, वहां पर ये जो हवा है उस हवा को यानी पोल्यूटेड जो एयर है उस पोल्यूटेड एयर को खींचता है। ये पोल्यूशन पोल्यूटेड एयर जो इसके अंदर जाती है और जैसे इसके अंदर जाती है तो ये जो इसका ये टावर है इस टावर के अंदर दो फिल्टर लगे होते हैं। मतलब आपने दो प्रकार के फिल्टर लगा दिए, ऊपर से हवा जो है उसके अंदर आएगी और हवा में जो पहला फिल्टर होगा उस पहले फिल्टर से वो पास होगी, फिर दूसरे फिल्टर पर जाएगी और दूसरे फिल्टर से पास होकर नीचे आ जाएगी। और जैसे यहाँ नीचे आ जाएगी तो फिर यहाँ पर ये इसके आउटलेट्स हैं और यहाँ से वो हवा जो है वो यानी शुद्ध जो अब शुद्ध हो गए और शुद्ध हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। अब ये हवा जो है वो ऊपर जाके इसके अंदर आती क्यों है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है क्या लगाए हैं, कुछ पंखे लगा दिए, ये जो फैन लगाए 40 फैन जो है वो हर साइड के ऊपर 40 फैन इसके ऊपर लगाए गए हैं। 10 हर साइड के ऊपर, 10 मतलब इस साइड है, 10 इस साइड है, 10 इस साइड है, 10 इस साइड है, तो चारों साइड पे जो है 10-10 फैन लगा दिए। और ये फैन जो है वो क्या करते हैं, तो फैन उसको इस तरफ से आगे की तरफ से धक्का मारता है। जैसे फैन चलेगा तो यहाँ से हवा ये आएगी, यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट होता है, एक नेगेटिव प्रेशर, और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने से जो हवा है ये ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठकर जो है वो और फिर यहाँ पर जो है उसको सक्शन करने के लिए, उसको खींचने के लिए चीजें लगाई हुई है, वो इसको खींचकर अपने अंदर ले लेता है और ये चीज जो है वो होती रहती है और ये हवा जो है वो क्या हो जाएगी, इससे शुद्ध होती रहती है। और इसमें इसका जो असर है वो 1 किलोमीटर तक की जो हवा है ये जहां पर भी ये टावर लगाया है उस टावर से 1 किलोमीटर तक की जो हवा है उसको ये क्लीन कर सकता है। ऐसा इसके अंदर सिस्टम जो है वो काम करता है। ये इसकी हाइट तो कितनी है, 24 मीटर्स की है। हालांकि चाइना के अंदर जो स्मोक टावर चाइना में भी लगे हुए हैं और वहां जो हाइट है वो उसकी और भी ज्यादा 60 मीटर के करीब उसकी हाइट है। और वो अपने वाला तो जैसे ये डाउन ड्राफ्ट सिस्टम से काम करता है, डाउन ड्राफ्ट का मतलब ऊपर से आगे नीचे से निकलती है हवा, इधर से तो पॉल्यूटेड एयर जाती है और इस तरफ से पॉल्यूटेड जो क्लीन एयर है वो निकलती है। चाइना के अंदर जो स्मोक टावर काम करते हैं वो उसका उल्टा काम करते हैं, यानी यहाँ से नीचे से जो है वो तो पॉल्यूटेड एयर अंदर जाएगी और फिर वो उसको यहाँ पर गर्म करते हैं, उसको गर्म करने से वो हवा जो है वो ऊपर उठ जाती है और वो वही वापस फिल्टर से जो है पास होती है और अलग अलग फिल्टर से पास होगी तो यहाँ पर आएगी और यहाँ से जो है बाहर निकल जाती है। ऐसा काम कहाँ पर होता है, ये होता है चाइना के अंदर। तो चाइना वाला जो है वो तो है अपड्राफ्ट और अपने यहाँ पर जो है वो डाउन ड्राफ्ट। तो याद रखना है अपन को कि हमारे यहाँ पर ये जो स्मोक टावर है, स्मोक टावर के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो आपको डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग सिस्टम, और चाइना में कौन सा यूज होता है, तो चाइना के अंदर जो है वो अपड्राफ्ट होता है।
आपका मतलब उसमें नीचे से ऊपर की तरफ आती है, इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसलिए डाउन ड्राफ्ट है। ठीक है, ये तो है इंडिया में और ये है चाइना में। और ये जो स्मोक टावर का कॉन्सेप्ट है या स्मोक टावर है, ये विकसित किसने किया है? तो ये अमेरिका के एक अंदर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। और उसके बाद में अब उन्होंने वहां तो डेवलप कर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने, यहां पर इंडिया के अंदर आईआईटी बॉम्बे को ये कहा कि भाई आपको इसको रेप्लिकेट करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको रेप्लिकेट कर देंगे, उनके वहां जैसा जैसा बनाया उसी टेक्नोलॉजी को यहां पर लगा देंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए टाटा जो प्रोजेक्ट्स है उसके माध्यम से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये भी अपन को जो है ध्यान रखना है। तो अपनी चर्चा होगी किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पर ये डाउन ड्राफ्ट एयर क्लीनिंग है और लगभग 24 मीटर का है, बाकी इसकी बातें तो हो ही गई, और ऊपर से आएगी। और ये दो, पहला जो फिल्टर है 10 माइक्रोन का है और तीसरा जो दूसरा जो है वो 0.03 माइक्रोन का जो है वो है, यानी इसमें दोनों जो आपके पॉल्यूटेंट्स हैं वो, जैसे कि इसमें मुख्य जो पॉल्यूटेंट होती है वो PM10 और PM2.5। ये क्या चीज है PM10 और PM2.5? तो ये धूल के कण होते हैं, ठीक है, डस्ट के ये कण होते हैं। PM का मतलब होता है पर्टिकुलेट मैटर, और ये जो 10 है, ये 10 जो है उस मैटर का, वो जो आपका कण है उस कण का डायमीटर है, और ये जो है वो 10 माइक्रोन्स का या फिर उससे कम होता है, और यहाँ पर 2.5 या उससे कम होता है। और ये ऐसी चीजें होती है जिसको हम सीधे इनहेल कर लेते हैं, अपने नाक से अपने शरीर के अंदर जो है वो चली जाती है, और शरीर में चली जाती है तो वो डस्ट आपके शरीर में आएगी, तो उसके फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हेल्थ को हुआ करते हैं। तो इसलिए वो एयर पॉल्यूशन जो है वो ह्यूमन हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट किया करता है। तो ये वो जो स्मोक टावर है, जो दिल्ली के अंदर जो स्मोक बनती है उसको खत्म करने के लिए इस प्रकार का स्मोक टावर बनाया गया। तो स्मोक के बारे में एक तो बेसिक बात अपन ने इसको, इसका संधि विच्छेद तो कर लिया कि दो चीजों से बनी हुई है, स्मोक और फॉग। फिर इसके अंदर स्मोक जो है, ये स्मोक को अगर वैसे और ज्यादा करें तो फॉग के साथ में किस किस चीज का मिक्सचर होता है, तो इसमें डस्ट भी होती है और कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। डस्ट जो भी वहां पर, अगर कोई काम चल रहा है, किसी हाईवे का काम चल रहा है, किसी सड़क का काम चल रहा है, तो उसके कारण कोई अगर पास में बिल्डिंग चल रही है, बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी वजह से डस्ट जो है वो आती रहेगी। और साथ साथ में कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स, वहाँ पे एयर पॉल्यूटेंट, जैसे वहाँ पे गाड़ियाँ हैं तो उस गाड़ियों से पॉल्यूटेंट्स निकल सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे पॉल्यूटेंट जो है वो निकलते रहते हैं। कोयले को अगर कहीं पर जला रहे हो तो उससे कुछ पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकलने लग जाते हैं, या फिर वहाँ पर आसपास में, दिल्ली के आसपास में ये जो पराली को जलाते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ पोर्शन जो है वो होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकलते रहते हैं। और इन सब चीज़ों का जब मिक्सचर होता है तब ग्राउंड लेवल पर ग्राउंड ओजोन जो है उसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है ग्राउंड ओजोन। और ये ग्राउंड ओजोन जो होती है ये पॉल्यूटेंट होती है, और ये जो है वो व्यक्ति के लिए जो है वो अच्छी नहीं होती है। देखो ओजोन, तो एक तो अपन पढ़ते हैं कि ओजोन परत है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, तो ओजोन परत जो है वो तो काफी सही है, वो तो यूवी रेज आएगी और उसको सोख लेगी और वो तो अपने लिए, वहां तो ओजोन बहुत पॉजिटिव होती है, ओजोन का काम जो है वो काफी अच्छा होता है। और एक होता है जो कि ग्राउंड लेवल पर, जो कि यहाँ पर अपने सरफेस के आसपास में जो ओजोन बन रही होती है वो किससे बनती है, इस स्मोक के कारण जो ओजोन बनती है वो ओजोन जो है वो आपके लिए नुकसानदायक होती है व्यक्ति के लिए। तो स्मोक जो होता है वो व्यक्ति के लिए किस तरीके से नुकसानदायक होता है, तो ये यहाँ पर। फिर अपन ने कॉजेज ऑफ स्मोक की चर्चा की कि कैसे होता है, तो क्या क्या कॉजेज है, तो एक तो कोयले को जलाते हैं, कोल बर्निंग होती है, बड़े मात्रा में अगर आप कोयला जलाओगे तो पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकलते हैं। फिर स्लैश एंड बर्निंग ऑफ क्रॉप्स, अगर जो दिल्ली के आसपास के अंदर जो ये फसलें हैं उनको, जैसे जिसको पराली कहते हैं, उसको जलाने से भी कुछ मात्रा के अंदर जो है वो ये पॉल्यूशन होता है। फिर और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, स्मोक फॉर्मिंग पॉल्यूटेंट्स जनरेट फ्रॉम कहाँ कहाँ से, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ऑटोमोबाइल जो आपकी गाड़ी है उस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट होता है उस एग्जॉस्ट से पॉल्यूटेंट्स निकलते रहते हैं। पावर प्लांट जो है वहां से उनकी जो चिमनी होती है उससे धुआं निकलता रहता है। फायरवर्क्स, आप पटाखे जलाते हैं उससे भी निकलता है। इवन पेंट से भी, हेयर स्प्रे है तो हेयर स्प्रे से भी निकलता है, चारकोल स्टार्टर फ्लूड एंड प्लास्टिक पॉपकॉर्न पैकेजिंग, जो पॉपकॉर्न की प्लास्टिक से जो पैकेजिंग होती है वहां से भी आपके पॉल्यूटेंट्स जो है वो निकलते हैं। तो कई बार यूपीएससी के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन जो आते हैं कि स्मॉग के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से जो है वो फैक्टर्स हैं, तो वो अब आपको इनके सबके नाम दे देगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार इसमें से किसको छोड़े हैं, किसको नहीं करें, कि भाई अब ये तो चलो ठीक है कि मान लिया हाँ कोयले के जलाने से तो होता है, हाँ पराली वाला भी जो है खूब सुना हुआ है, तो हाँ ये भी होता है,
फिर इनके अंदर जो है व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि अरे ये जो है वो प्लास्टिक फॉर पॉपकॉर्न पैकेजिंग इससे होता है या नहीं होता है। तो अपन को ध्यान में रखना है कि ये सभी चीजें जो है उसमें फैक्टर्स काम में आते हैं, मतलब इनके कारण जो है वो स्मोग हुआ करती है। तो इन सब चीजों को जो है वो याद रखना है। तो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट, पावर प्लांट, आतिशबाजी, पेंट, हेयर स्प्रे, चारकोल, स्टार्टर फ्लूइड, प्लास्टिक पॉपकॉर्न पैकेजिंग से ये उनका उत्पादन जो है वो होता है। फिर स्मोक जो है वो दो प्रकार की होती है। अगर टाइप्स ऑफ स्मोक पूछा जाए तो टाइप्स ऑफ स्मोक कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो सल्फरस स्मोक होता है और एक होता है फोटोकेमिकल स्मोक। सल्फरस स्मोक जो होता है उसके अंदर तो इसको लंदन स्मोक भी कहते हैं सल्फरस स्मोक को, क्योंकि पहली बार जो है इस स्मोक को देखा कहाँ गया, तो लंदन में देखा गया, तो इसको लंदन स्मोक कह दिया गया। इसी तरीके से फोटोकेमिकल स्मोक जो है इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाला स्मोक जो है वो लॉस एंजलिस के अंदर भी देखा गया था इसलिए, ठीक है। और यहाँ पर ये तो किसके कारण होता है, सल्फर ऑक्साइड के कारण। इस पे नाम ही आ रहा है सल्फर स्मोक है, सल्फर स्मोक है तो पॉल्यूटेंट के रूप में क्या होगा, तो सल्फर ऑक्साइड जो है पॉल्यूटेंट होगी, उसके अंदर प्रदूषक के रूप में सल्फर ऑक्साइड काम करेगा। और फोटोकेमिकल स्मोक, अब यहाँ पर देखो नाम ही क्या है, फोटोकेमिकल, फोटो से मतलब अपनी फोटो नहीं, फोटो का मतलब सूरज, तो इसका मतलब जो है सूरज की किरणें हैं इसके अंदर, यूवी रेज जो है उसका प्रयोग हो रहा है, और उसका केमिकल मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन के बाद में स्मोक जो है वो बन रही है। इसके बारे में एक बार यूपीएससी के अंदर जो है प्रीलिम्स में पहले एक बार क्वेश्चन आ चुका है, तो फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में आपको जो है वो और अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि ये होता क्या। तो ये इसकी वजह से तो पूरी पूरी यहाँ पर है, पर ये इसकी मेन रिएक्शन है कि किस तरीके से चीजें जो है वो बनती है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है वो प्लस वीओसी, वीओसी क्या है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो आपके कोयले वोयले के इनके जलाने से ऑर्गेनिक के जो कंपाउंड्स निकलते हैं, ठीक है, उनको वीओसी कहा जाता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो वीओसी प्लस ओ2, प्रेजेंस है ही ओ2 की तो पहले से ही जो है वो आपके एनवायरमेंट में, तो ओ2 भी है, ये इनको जलाया तो ये वीओसी भी हो गया, और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड जो है वो भी इन पेंट वेंट से या फिर उनके जो आपका एग्जॉस्ट है उससे ये सब भी निकल गया, और प्लस यूवी रेज, अगर धूप भी है तो, अगर ये सब चीजें मिलते हैं तो बनता क्या है, एक तो ओजोन बन जाता है, प्लस पीएन, पैन का मतलब होता है परऑक्सी एसिटाइल एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और अदर ऑक्सीडेंट्स जो है वो बनते हैं। तो ओ3 भी बनता है, ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और उसके प्लस प्लस अदर ऑक्सीडेंट्स, अन्य ऑक्सीकारक जो है वो भी इसके अंदर बनते हैं। तो ये जो रिएक्शन है वो किसकी है, फोटोकेमिकल स्मोक की जो है वो ये रिएक्शन है। तो वो जो यूपीएससी में क्वेश्चन आया था उसके अंदर ये था कि शायद इससे क्या क्या चीजें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है आपका स्मोक। जैसे ही अभी वापस चर्चाएं होगी ये दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की, तो पॉल्यूशन होगी तो वापस स्मोक का जो क्वेश्चन है या स्मोक का जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार जो है वो आता रहेगा। और वैसे भी पॉल्यूटेंट्स जो है अपनी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का जो सिलेबस है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए अपन को कि एनवायरनमेंट के सही करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो उसमें एक इसको रखा जा सकता है। अब हालांकि ये सफल होगा या नहीं होगा इसका अभी किसी को पता नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अभी भी ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई इतना भी ज़्यादा सक्सेसफुल जो है वो होने वाला नहीं है। हालांकि होगा कि नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, और इसमें ये होगा या नहीं होगा इसके लिए उसकी मॉनिटरिंग का भी एक सिस्टम जो है वो बनाया गया कि उसके जहां पर ये स्मोक टावर लगाया जाएगा उसके पास में उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लगाया जाएगा क्या, लगा तो दिया ही है, अब उसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि भाई वहां की जो है एयर वाकई में क्लीन हुई है या नहीं हुई है, और उस एयर में भी किसका मेजरमेंट होगा, तो मेजर जो है वो अपन ने बात की कि पीएम 10 और पीएम 2.5, ये पर्टिकुलर मैटर्स पीएम 10 और पीएम 2.5 जो है इसको मॉनिटर करेंगे कि इसके लेवल में कमी आई है या नहीं। अगर कमी आई है बहुत ज्यादा तब तो इसका मतलब है कि ठीक है वो काम कर रहा है, और अगर कमी नहीं आई है तो साहब इसका मतलब कोई काम नहीं कर रहा है, और अगर काम कर रहा है तो फिर दिल्ली के अंदर और भी अन्य जगहों पर भी इस तरीके की चीजें जो है लगाई जानी चाहिए। इससे पहले भी लगाए थे हालांकि वो जो गौतम गंभीर फाउंडेशन जो है उसके द्वारा, पर उसकी हाइट जो है वो कम है, उनकी हाइट कम है तो फिर वो कम एयर को जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं या कम एयर को प्योरीफाई जो है कर सकते हैं, तो इसकी क्षमता जो है वो उसके मामले में ज्यादा है। और अपन ने देखा, देखो चीन वाला जो है उसकी इससे भी, उसका स्मोक टावर जो है इससे भी ज्यादा क्षमता का है, तो चीन के अंदर और भी बड़ी क्षमता है, हमारे वाला उससे अभी जो लगाया है ये थोड़ा और कम है, और उससे पहले लगाया था वो और भी थोड़ा कम जो है वो था। तो इसकी एफिशिएंसी पता लग जाए उसके बाद अन्य भी जगहों पर जहां जहां पर ऐसी समस्या है वहां पर इसको रेप्लीकेट किया जा सकता है।
तो ये था स्मोग टावर, और जो कि अभी दिल्ली के अंदर लगाया गया। धन्यवाद।